नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी गार्डनिंग में। दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपका आम का पेड़ सूख रहा हो तो क्या करें। इस वीडियो का यही उद्देश्य और यही टाइटल है कि अगर आपका आम का पेड़ सूख रहा हो तो हम ऐसे क्या कर दें कि जिससे वह फिर से जीवित हो जाए, फिर से जिंदा हो जाए। बहुत ही ढेर सारे किसान भाइयों ने हमें यह कमेंट करके बताया है, जिनके पास बहुत बड़ी बाग है, वह कहते हैं कि सर, हमारा आम का जो पेड़ है वह सूख रहा है, उसकी पत्तियां पीली पड़ जा रही हैं, पेड़ हमारा बहुत ही पुराना है और वह ख़राब हो जा रहा है। हम ऐसा उसमें क्या डाल दें, क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करें कि वह पौधा फिर से नया हो जाए, फिर से उसमें नए कल्ले आ जाए, उसकी पत्तियाँ फिर से हरी हो जाए और उसमें अधिक मात्रा में फल लगे। आज की इस वीडियो का हम यही उद्देश्य मानकर चल रहे हैं कि हम ऐसा क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें जिससे हमारा आम का पौधा फिर से जीवित हो जाए, उसमें नए कल्ले निकल आएँ और फिर से उसकी पत्तियां हरी हो जाएं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। ऐसा दोस्तों हमारे साथ बहुत बार हो चुका है कि हम नया पेड़ मार्केट से खरीद कर लाते हैं और जिसको हमने 6 महीने पहले लगाया है वह पौधा आसानी से सूख जाता है आम का। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि कुछ पौधे हमें जो नर्सरी वाले होते हैं वह ख़राब भी दे देते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ। और सही बात तो ये भी है, कभी कभी हम देखभाल भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आम के पौधे में थोड़ी देखभाल भी करनी होती है, तभी आपका आम का पौधा आसानी से ग्रो कर जाएगा और उसमें जल्दी फल लगने लगेंगे। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे केमिकल के बारे में बता रहे हैं, यदि आप उसका यूज़ करते हैं अपने आम के पौधे में तो आपका आम का पौधा कभी नहीं सूखेगा। और यदि आपका पौधा आपको लग रहा है सूख रहा है तो तब भी आप उसका उसमें इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका पौधा फिर से जीवित हो जाएगा, आपके पौधे में कोई समस्या नहीं आएगी, आपके जो फल होंगे वह बड़े बड़े लगेंगे और उसका जो वजन होगा वह बहुत ही ज़्यादा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप पहले आम की खेती करते हैं, आपके पास बाग है, आपकी जितनी पेड़ों में फल लगते हैं उससे दुगना फल लगेंगे यदि आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने पौधे में करते हैं तो। दोस्तों, आज के हमारे इस प्रोडक्ट का नाम है फ्यूराडान। वैसे तो इसे विभिन्न प्रकार की कंपनियां बनाती हैं, पर आगे के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपको किन कंपनियों का लेना है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यह जो प्रोडक्ट है फ्यूराडान, ये कॉन्टैक्ट सिस्टमिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। ये बहुत ही विभिन्न प्रकार के कीटों को नष्ट कर देता है। इसका इस्तेमाल आप जड़ में भी और स्प्रे करके भी अपने पेड़ों में कर सकते हैं, पर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसका इस्तेमाल अपने पेड़ के जड़ में करें। जड़ में इस्तेमाल करने से ये बहुत तेज़ी से असर करता है और पेड़ों को बहुत लंबे समय तक कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही दोस्तों, आप इसे 25 से ज़्यादा प्रकार की फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी फसलों में अलग अलग डोज होती है। आज हम बात कर रहे हैं आम के बारे में, तो आज हम इस वीडियो में आपको आम के बारे में ही बताएंगे आपको कैसे आम के पेड़ में इसका इस्तेमाल करना है। यह जो प्रोडक्ट है दोस्तों फ्यूराडान, इसको हम अपने पेड़ की जड़ में डालते हैं, इसको हम अपने पेड़ में जड़ के माध्यम से पहुंचाते हैं। यह हमारी जो जड़ में टिश्यूज़ होती हैं, वस्कुलर टिश्यूज़ जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, उनके माध्यम से हम पेड़ के सिस्टम में इसको पहुंचा देते हैं जड़ में इसका छिड़काव करके। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि यदि हमारा कोई पौधा आम का सूख रहा है तो वह क्यों सूख रहा है। दो कारण हो सकते हैं। पहला तो दोस्तों, पौधे में ताकत नहीं है, यानी मिट्टी के आसपास जो माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधे को चाहिए वो खत्म हो चुके हैं और पौधे को ताकत नहीं मिल रही है, इसलिए वह सूख रहा है। साथ में दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि पौधे में जो पत्तियां हैं वह अपना भोजन सही से नहीं बना पा रहे, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके कारण क्लोरोफिल बनता है पौधे में, जिससे पत्तियां हरापन दिखाती हैं, अपना हरी बनी रहती हैं, वह दोनों ही अच्छे से क्रिया नहीं हो पा रही है, इसलिए पौधे के जो सिस्टम है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, यानी पौधा अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, उसमें खाना नहीं बन रहा है, भोजन नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा जो पौधा है वो अंदर से खोखला हो जाता है और उसमें जो उनकी टिश्यूज़ हैं जाइलम और फ्लोएम, जिनके माध्यम से खाना और पानी पौधे में सप्लाई होता है, उनमें ब्लॉकेज आ जाता है, यानी वह बंद हो जाती हैं और वह धीरे धीरे पौधे को सूखने के लिए मजबूर कर देती हैं। क्योंकि जब हमारे शरीर में खाना और पानी दोनों नहीं जाएगा तो हमारा शरीर भी सूख जाएगा, वैसे ही पौधे भी सूख जाते हैं और उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और हमारा जो पौधा होता है वह बाहर से और अंदर से दोनों तरीके से ख़राब हो जाता है।
फ्यूराडान का इस्तेमाल करने से यह फ़ायदा होता है कि यह जो ब्लॉकेज है वह साफ़ हो जाता है। यानी फ्यूराडान एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है जो पौधे के अंदर जाता है और यह जो क्रिया है जिन पर प्रतिबंध लग गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, भोजन नहीं बनाती पत्तियाँ, इन सभी को फिर से सुचारू रूप से चालू कर देता है, जिससे हमारा पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है, पौधे में फिर से हरापन लौट आता है और नई शाखाएँ, नए कल्ले निकलते हैं। इसी कारण से यदि हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने पौधे में करते हैं तो हमारा पौधा फिर से जीवित हो जाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसे आपको अपने पेड़ में कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले दोस्तों पेड़ की अवस्था के बारे में जान लेते हैं। यदि आपका पेड़ अभी रिसेंट में लगाया हुआ है, 1 साल 2 साल का है, तो उसमें कैसे आपको इस्तेमाल करना है। यदि आपका पेड़ 4 से 5 साल का है या 20 से 30 साल का है, दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पेड़ की गुड़ाई करनी है। यदि आपका पेड़ 1-2 साल का है तो आप उसके 1-2 फीट के गुलाई में गुड़ाई कर दें। 4 से 5 साल का है तो 2 से 2.5 फीट की गुलाई में गुड़ाई कर दें उसके डायमीटर में। यदि आपका पेड़ और बड़ा है, 25 से 30 साल का है, तो आप अपने पेड़ की 4 से 5 फीट की गुलाई में अच्छे से गुड़ाई करवा दें। दोस्तों बड़ा पेड़ है तो फरवे से गुड़ाई कराएं, छोटा पेड़ है तो खुरपे से गुड़ाई करा दें। इस तरह पहले आपको अपने पेड़ की गुड़ाई करा लेनी है। गुड़ाई करा लेने से ये फ़ायदा होता है कि जो जड़ें हमारी मिट्टियों में बहुत टाइट हो गई हैं, उसमें एयर नहीं पहुंच रही है, उसमें को एयर मिलने लगेगी, और जो जड़ें बहुत बड़ी हो गई हैं वह थोड़ा छट जाएंगी, कट जाएंगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि उसमें नई जड़ें बनेंगी, नई ग्रोथ होगी। ये हमें फ़ायदा होता है गुड़ाई करने से। दोस्तों इसमें गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपका पौधा सूख रहा है तो आपको गुड़ाई बिल्कुल करना चाहिए। गुड़ाई नहीं करेंगे तो आपको कुछ खास फर्क नहीं समझ में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूराडान को आपको अपने पेड़ में कैसे इस्तेमाल करना है। फसलों की जान फ्यूराडान, वर्षों से किसानों की नंबर एक पसंद। फ्यूराडान 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 आपके नजदीकी विक्रेता के यहाँ उपलब्ध है। दोस्तों हम फ्यूराडान को अपने पेड़ की जड़ में डालते हैं, यानी जड़ में इसको भरा देते हैं, छीट देते हैं। फ्यूराडान ग्रेनुल फॉर्म में होता है, दानेदार फॉर्म में होता है। यदि आपका पेड़ 1-2 साल का है तो आपको 50 से 100 ग्राम का इस्तेमाल करना है। यदि आपका पेड़ 4 से 5 साल का है तो 1 पाव इस्तेमाल करिए, और बड़ा पेड़ है तो 0.5 किलो इस्तेमाल करिए। 20 से 30 साल का पेड़ है तो 1 किलोग्राम पर पेड़ इस्तेमाल करिए। फ्यूराडान मार्केट में 1 किलो, 5 किलो, 25 किलो की बैग में अवेलेबल है। आपकी जितनी आवश्यकता हो मार्केट से खरीद लीजिए। दोस्तों इसका जो रेट होता है वह मार्केट में 120 से 130 रुपए किलो FMC कंपनी का या अडामा कंपनी का आपको आसानी से मिल जाएगा, आप इसे ले सकते हैं। एक खास बात दोस्तों, गुड़ाई करने के बाद फ्यूराडान को छींटने के बाद आपको अपने पेड़ में पानी डालना है। छोटा पेड़ है तो आप इसमें 2-3 मग पानी डाल दीजिए, बड़ा पेड़ है तो 2-3 बाल्टी, मतलब जैसे 4-5 साल का पेड़ है तो 2-3 बाल्टी डाल दीजिए, और बड़ा पेड़ है तो 5-6 बाल्टी आप अपने पेड़ में फ्यूराडान को छींटने के बाद डाल दीजिए। ऐसा इसलिए दोस्तों ताकि फ्यूराडान जो ग्रेनुल फॉर्म में है वह आसानी से गल जाए। गल जाने के बाद क्या होगा दोस्तों, यह आपके पौधे की जो जाइलम है उसके माध्यम से पूरे सिस्टम में फैल जाएगा और पौधे में जो बीमारियां हैं उनको दूर कर देगा, और फिर से आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा। उसमें फिर से क्लोरोफिल बनने लगेगा, पौधे में नई शाखाएं निकलेंगी और ज़्यादा बौर आएंगी, और आपका फल जो होगा वो बड़ा होगा और उसका वजन जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा पहले की अपेक्षा। ये खास फायदे होते हैं फ्यूराडान के। दोस्तों फ्यूराडान में एक खास बात है, आप इसे फल में, सब्जी में, किसी भी प्रकार की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है सभी फसलों में। एक और खास बात दोस्तों, आपको अपने पेड़ में एक फंगीसाइड का भी स्प्रे कर देना है, जैसे कि कार्बेंडाजाइम प्लस मैनकोजिब। दोस्तों फंगीसाइड का स्प्रे करने से ये फ़ायदा होता है कि पेड़ के ऊपर जो जाले लग जाते हैं या माटे चीटे जो भी प्रकार के ये वायरस या फिर बैक्टीरिया बैठते हैं पेड़ों में बौर लगने के समय, वह सब इससे मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं अंदर से बाहर से, क्योंकि कार्बेंडाजाइम प्लस मैनकोजिब एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। फंगीसाइड का स्प्रे करने समय ये फ़ायदा होता है कि हमारे पौधे में फंगस नहीं लगता, क्योंकि यह जो समय चल रहा है इसमें हमारे पौधे में नई ग्रोथ आती है, क्योंकि नया बौर लगता है, नया फूल लगते हैं, नए किस्में कनखें निकलते हैं, इसलिए इस टाइम फंगस के लगने की ज़्यादा चांसेस होती है। यदि आप एक कार्बेंडाजाइम प्लस मैनकोजिब का स्प्रे कर देंगे तो आपका पेड़ एकदम सुरक्षित रहेगा। दोस्तों आपको इस फंगीसाइड की जो डोज है वह 2 ग्राम पर लीटर इस्तेमाल करनी है।
यदि आपका पेड़ छोटा है तो 2 से 2.5 ग्राम, बड़ा पेड़ है तो 3 से 4 ग्राम पर लीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पेड़ के ऊपर स्प्रे कर दें। मार्केट में या UPL कंपनी का साफ नाम से आता है, धानुका कंपनी का सिक्सर नाम से आता है, विभिन्न प्रकार की कंपनियाँ इसको बनाती हैं, आप किसी भी कंपनी का ले लें। इसका दाम जो है 100 ग्राम की पैक में भी अवेलेबल है, 1 पाव की पैक में अवेलेबल है और बड़ी बड़ी पैकिंग में भी आता है। इसका दाम जो है 100 ग्राम की पैकिंग है वो 80 से 90 रुपये के अंदर आपको हर जगह मिल जाएगा। आप इसको लेके अपने पेड़ के ऊपर छिड़काव कर दें। एक बात मैं आपको यहाँ दोस्तों रिपीट करना चाहता हूँ कि आपको अपने पेड़ की, आम के पेड़ की गुड़ाई करनी है सबसे पहले, फिर उसमें फ्यूराडॉन को छीट देना है, फिर उसके बाद उसमें पानी डाल देना है। बड़ा पेड़ है तो थोड़ा ज़्यादा गुलाई में गुड़ाई करिए, 4 से 5 से 6 फीट की गुड़ाई में गुड़ाई कर दीजिए। छोटा पेड़ है तो 2 से 3 फीट की गुड़ाई में गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से हमें बहुत फ़ायदा होता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी जड़ जो होती है वह फ्री हो जाती है, स्ट्रेस फ्री हो जाती है, उसमें थोड़ा हवा जाने लगती है, ये आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यदि आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जो आम की खेती में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हों। और दोस्तों यदि आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं या किसी और टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे। और आपको कोई बात हमारी ना समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद दोस्तों।